Today we will discuss about early postnatal events. बर्थ के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, और बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ये. न्यूबॉर्न्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अट्रिशियल, दूसरे होते हैं प्रिकॉशियल. अट्रिशियल जो हैं वो निकेट होते हैं, वीक होते हैं. प्रिकॉशियल जो हैं वो एक्टिव होते हैं. मेन डिफरेंस अगर हम देखें इनमें, तो जो प्रिकॉशियल होते हैं वो जब बॉर्न करते हैं तो साथ ही फुली डेवलप्ड होते हैं, उनकी आईज ओपन होती हैं, हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, एक्टिव होते हैं, मोबाइल होते हैं और अपने नेस्ट से इधर उधर घूम रहे होते हैं, और उनकी जो एनर्जी है वो पेरेंटल डेवलपमेंट वगैरह में जो है इतनी यूटिलाइज नहीं होती है. अट्रिशियल जो हैं, क्योंकि ये बॉर्न ही वीक होते हैं, वेल डेवलप्ड भी नहीं होते, तो उनको काफ़ी पेरेंटल केयर आफ्टर बर्थ जो है दी जाती है. प्रिकॉशियल बर्ड्स होते हैं डक्स के, डकलिंग जो होती है, और चिक्स जो कि हेन के होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही पैदा होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं. और अट्रिशियल में जैसे ह्यूमन बेबीज़ हैं, एक ख़ास एज लिमिट के बाद उनके टीथ्स आते हैं, एक ख़ास जो फेज गुजरने के बाद वो चलना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अर्ली पोस्टनेटल इवेंट्स की जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस साल में पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, दिन के कौन से हिस्से में, सुबह शाम रात किस हिस्से में पैदा हुए, और इन चीज़ों के बेस पर वो आपकी लाइफ के कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में जान जाते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी में भी और साइंस में भी अगर हम देखें, एनिमल्स को भी हम देखें, तो पोस्टनेटल इवेंट्स की बहुत अहमियत है. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी मदर की प्रेजेंस में हैच हुए और वो जिनको कैप्टिविटी में रखा गया, उन दोनों के डेवलपमेंट में, उन दोनों के बिहेवियर में लेटर इन लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आए. ये डक है और इसके डकलिंग्स हैं. जैसे ही डकलिंग हैच होते हैं वो अपनी मदर को फॉलो करना शुरू कर देती हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर मदर पास नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई ह्यूमन होगा, कोई मैन हो, कोई गर्ल हो, कोई वुमेन हो, तो वो उसको अपनी मदर समझ लेते हैं और उनके पीछे 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 चलना शुरू कर देते हैं और उनके साथ एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं. इम्प्रिंटिंग मतलब उनके नक्शे कदम पर चलना. अगर एक यंग चिक जो है वो हैच होते हैं चिक्स और उनके पास कोई मदर वगैरह नहीं है, हैन नहीं है, तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके पीछे पीछे भी भागना शुरू कर देते हैं, जो उनको नजर पीछे पीछे इम्प्रिंट करते हैं. इस बिहेवियर को स्टडी किया था लॉरेंस ने. लॉरेंस ने एक फार्म बनाया और वहाँ पर डिफरेंट डक्स को रखा, उन डक्स को वो स्टडी किया करता था. वो असल में इस चीज़ को जानना चाह रहा था कि जो बिहेवियर है, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, ये जेनेटिक है या ये लर्न बिहेवियर है, ये जेनेटिकली इनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर है या ये बाद में लर्न करते हैं अपने एनवायरनमेंट से. इसमें से दो तरह की इम्प्रिंटिंग को बेसिकली बताया था. फिलियल प्रिंटिंग, वो फिलियल इम्प्रिंटिंग वो होती है जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में होती है. सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग वो होती है जो कि मेट्स में होती है. तो फिलियल इम्प्रिंटिंग खास तौर पे वही है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में होगी. और उसमें से देखा कि जैसे बर्ड्स हैच हुए हैं तो ये लॉरेंस चल रहा था और उसके पीछे बर्ड्स ने अपने आप को एक लाइन बना के उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अगर कोई हैच हुए होते बर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर मदर. डिफरेंट विजुअल और ऑडियो स्टिमुलाई दिए गए बर्ड्स को. पहले तो बर्ड्स को कैप्टिविटी में रखा गया, उसके बाद उनको विजुअल्स जो थी वो दिखाएगी, मॉडल्स बर्ड्स दिखाएगी, डक्स दिखाएगी, और देखा कि क्या वो उन डक्स के पीछे चलते हैं. फिर उनको कुछ ऐसी ऑडियो कॉल्स सुनाई गई, जो डक थी उसकी कॉल्स, तो उसको देखा कि वो उसको फॉलो करते हैं नहीं. और फिर एक नेचुरल डक जो थी उसको उसकी जो कॉल्स थी, जो उनकी मदर कॉल्स थी, तो ये देखा कि इन तीनों स्टिमुलस में जो डकलिंग्स थे उन्होंने मदर कॉल्स को रिस्पॉन्स किया एज कम्पेयर टू ऑडियो एंड विजुअल स्टिमुलाई. अब बिहेवियर जो भी होता है उसके पीछे दो कॉजेज होते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट कॉज, एक होता है अल्टीमेट कॉज. हम इतने जल्दबाज होते हैं कि हम हमेशा बिहेवियर का अप्रॉक्सीमेट कॉज देखते हैं,
और उसके पीछे हम कुछ भी देखना नहीं चाहते और उसकी बेस पे हम एक इंसान को जज कर लेते हैं। एक बिहेवियर एक तो सामने नज़र आ रहा होता है ना, उसकी बैक पर कुछ अंडरलाइन कॉजेज होते हैं, उनको कहते हैं अल्टीमेट कॉजेज। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई थी, जैसे है गुस्सा, छोटा बच्चा है वो बाप के सामने चिड़चिड़ापन शो करता है, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, छोटे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, तो उनमें एक तो सामने आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर आप उसके अंडरलाइन फैक्टर को, उस कॉज को स्टडी करेंगे तो उसके पीछे हर्ट फीलिंग होती है। जब उसको आप बैठा के उसको काम डाउन करके उसको पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मैं इस बात पे हर्ट हूँ जिसकी वजह से मैंने ये एग्रेशन शो किया। तो असल में वो जो हम जिसको एग्रेशन कह रहे होते हैं वो उसकी एक हर्ट फीलिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से अब कुछ लोगों में जेलसी का फैक्टर होता है। आपको सामने से तो ये नज़र आ रहा होता है कि जेलसी फैक्टर है, लेकिन जब उनकी लाइफ को स्टडी किया जाता है तो उनकी जो बैक ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों की कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ इमेज लूज़ कर चुके होते हैं, और कोई भी इंसान जो है उनको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स में बहुत ईजिली डाल देता है। तो ये दो कॉजेज़ होते हैं कि एक होता है अप्रॉक्सीमेट कॉज, एक होता है अल्टीमेट कॉज। जब भी बिहेवियर स्टडी करना है तो आपने जस्ट उसका अप्रॉक्सीमेट कॉज नहीं करना, आपने उसका अल्टीमेट कॉज भी स्टडी करना है कि व्हाई ही और शी इज शोइंग दैट बिहेवियर। नेक्स्ट है डकलिंग्स की हम बात कर रहे थे और डक्स की, तो डक और डकलिंग्स जो है वो डकलिंग्स ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे थे। अगर हम इसको हाउ फैक्टर देखें तो सिंपल फैक्टर उनकी मदर है, वो जहाँ जाएगी, वो छोटे न्यूबॉर्न्स डकलिंग्स हैं वो अपनी मदर के पीछे पीछे जाएंगे जहाँ उनकी मदर जाएगी। लेकिन इसके नीचे जो अंडरलाइन कॉज है वो ये है कि माँ जहाँ जा जाती है तो वो बच्चे को साथ साथ लर्निंग टेक्निक्स भी सिखा रही होती है, उनको उसको लाइफ को एक्सप्लोर करना बता रही होती है। दूसरी चीज़, सराउंडिंग्स में कहीं अगर उनको फूड लोकेट कर लेती है तो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करती है, उनको खिलाती है पिलाती है। तो बच्चे इस चीज़ को जो है डकलिंग्स जो हैं वो अंडरलाइन कॉज ये होता है कि माँ के साथ माँ के पीछे चलने में हमारा बेनिफिट है। तो अंडरलाइन कॉज उनके बिहेवियर के पीछे ये होता है कि वो अपनी मदर को फॉलो करते हैं। गिलबर्ट था, उसने स्टडी किया था और डिफरेंट बर्ड्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ को वो स्टडी करता रहा था विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। दो तरह की बर्ड्स थी एज ए मॉडल इसने यूज़ किया, दोनों इसकी फेवरेट थी। एक जो थी उसका नाम था मेलर और दूसरी थी पिनटेल। और ये पिनटेल को पिनटेल क्यों कहा जाता है ये देखिए, इसकी दुम बिल्कुल पिन की तरह, राइट। अब बर्ड्स को देखा गया, जो बर्ड्स कैप्टिविटी में हैच हो गए थे उनको अपने माइग्रेटरी रूट्स का नहीं पता था, ज़मीन पर चलते चलते खो जाते थे। ठीक है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उनको फूड कहाँ कहाँ पे मिलेगा उनको ये चीज़ें नहीं पता थी। जो अपनी मदर के, जिसको कहते हैं ना माँ के प्यार के साए में पैदा हुए थे या फर्दर पले बढ़े थे, वो फूड को इजीली लोकेट कर लेते थे, अपना फूड ढूंढ के वापस अपनी जगह पर भी आ जाते थे। लेकिन जो कैप्टिविटी में रहे थे उनके लिए इन रूट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि जब हवा में उड़ते थे तो भी माइग्रेटरी रूट्स, उनको कोई मेंटोर नहीं था जो उनको गाइड करता था कि आपने ऐसे उड़ना है और ऐसे करना है। इसको देखते हुए लॉरेंस ने क्या किया कि अपना उनको हवा में थ्रू आउट सहारा डेजर्ट और मेडिटेरेनियन सी और थ्रू आउट वो उसने ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के बाद उसने उनको उनके माइग्रेटरी रूट्स बताए बर्ड्स को। ठीक है, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, फ्लाई अवे होम। बिल्कुल ऐसे ही था कि बर्ड्स थे, कुछ बर्ड्स थे वो कैप्टिविटी में हैच हुए और उसके बाद उनको एक जो प्लेन था उसके ज़रिए उनको उनके माइग्रेटरी रूट्स बताए गए और फिर वो उड़ गए और उड़ के वो अपनी जगह पर जो है वो पहुँच गए। एक इंग्लिश मूवी भी, इस पूरे साइंस जो लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर एक पूरी मूवी भी बनी हुई है। अच्छा, अब जो बर्ड्स कैप्टिविटी में जवान होते हैं, ठीक है, उनमें देखा गया कि उन्होंने जो मैलेट डक थी उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे, उसको ज़्यादा उसकी बिहेवियर को फॉलो करते थे एज़ कम्पेयर टू द पिनटेल। और जब मेटर्नल कॉल्स आती थी मैलेट या पिनटेल से तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते थे, उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि कैप्टिविटी में थे, उन्होंने इससे पहले ये कॉल्स सुनी नहीं थी। तो जब उनको ये दो मॉडल्स दिखाए गए
और उसके बाद इनकी कॉल्स जब सुनवाई गई तो वो उन पर एक शॉक की जो है वो कैफियत थी। अब इसका सलूशन ये ढूंढा गया कि इनको दूसरे जो चिक्स थे उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, उनकी चू 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 जो रिकॉर्ड की हुई थी वो इनको सुनाई गई और इनको सोशल रेयरिंग की गई दूसरे जो चिक्स थे उनके साथ, ताकि वो उनसे वो लर्न बिहेवियर जो है वो सीखें। मिलर ने इसके ऊपर फर्दर काम किया कि ये फ्रीजिंग जो है वो क्यों होती है ओवर मेटर्नल कॉल्स। उसने एक ख़ास जो रेंज थी वो नोट्स पर सेकंड पर, उसने जो उनकी जो बर्ड्स की कॉल्स होती हैं ये इन नोट्स होती हैं, जो म्यूज़िक सीखते हैं बजाते हैं उनको पता है कि नोट्स किसको कहते हैं। तो उन्होंने उसकी 0.2 नोट्स पर सेकंड से 2.6 नोट्स पर सेकंड तक एक रेंज में जो है वो उसको प्ले किया कॉल्स को, और उसमें देखा कि जब 0.2 नोट्स पर सेकंड थी कॉल्स तो भी चिक जो थे वो फ्रीज हो गए थे, और जब 2.6 नोट्स पर सेकंड की थी तो भी वो फ्रीज हो गए थे। उनके लिए ये अनजानी कॉल्स थी, लेकिन जब इन्हीं कॉल्स को 0.8 से 1.8 नोट्स पर सेकंड पर चलाया गया तो वो उसको रिस्पॉन्स करते थे, वो कॉल्स उनके लिए इफेक्टिव थी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेक्सचुअल क्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर की लर्निंग में, उसकी डेवलपमेंट में उसके जो कंटेक्सचुअल क्यूज उसको मिलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंटेक्सचुअल क्यूज कहते हैं किसको हम, कंटेक्सचुअल क्यूज असल में हमारी सराउंडिंग या हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट में वो क्यूज होते हैं जिनके साथ हमारी कुछ खास यादें अटैच होती हैं। जैसे हम कभी अपने स्कूल चले जाएँ पुराने तो हमें वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, जैसे हमने शुरू किया था ज़िंदगी का सफ़र, जैसे हम स्कूल जाते थे। और अब कभी कोई अक्सर होता है लोग घर छोड़ जाते हैं, उसके बाद वो जब अपने पुराने घरों में जाते हैं, अपने आबाओ अजदाद के घरों में जाते हैं, तो उनको वही फीलिंग्स वही मेमोरीज रिवाइव करना शुरू कर देते हैं, वही बातें उनको ऑटोमेटिकली उनकी मेमोरी में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ उस क्या होता है उस फिज़िकल सराउंडिंग का जो इफ़ेक्ट होता है। तो कंटेक्सचुअल क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जो है बर्ड्स अपने सिबलिंग्स जो होते हैं ना बहन भाई उनसे सीखते हैं अपनी मेटिंग प्रेफरेंसेस, कि वो एज एन एडल्ट किस तरह का मेट चूज़ करेंगे। तो ये है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फिलल इम्प्रिंटिंग वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, और बाकी जो है वो पीर प्रेशर भी होता है, अपने फ्रेंड्स से भी वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। एक चीज़ इसमें देखा था रिवर्स सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, इसमें यह था कि जब दो लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, जब वो हैच होते हैं अपने फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जो क्लोज सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है उसके बाद लेटर इन लाइफ वो उसको डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। ये एक एरिना और इस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई स्टेडियम होता है, उसके चारों तरफ जो है वो तमाशा ही होते हैं और दरमियान में जो है वो मैच हो रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक एरिना बनाया गया और उसमें एक बर्ड है जिसको एक लंबे से रॉड के साथ उसको अटैच कर दिया गया, और ये बर्ड जो है वो गोल गोल उसके अंदर घूमता है, वो घूमता है और नीचे एक छोटा सा बर्ड है, वो लिविंग बर्ड है, जिंदा जानदार है, वो उसको देखता है और जैसे जैसे वो घूमता है वैसे वैसे वो उसको फॉलो करता है, क्योंकि उसके लिए अभी फ़िलहाल यही रोल मॉडल है। जब इसको देखा तो उन्होंने एक फैक्टर एक नई चीज़ दरियाफ्त की, वो थी लोकोमोशन फेयर डाइकोटमी। उन्होंने देखा कि आफ्टर हैचिंग लोकोमोशन बड़ी लिमिटेड थी, हैचिंग के बाद लोकोमोशन जो थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, शुरू में चूज़े ने इतना कोई चला फिरा नहीं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उसने चलना फिरना इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, शुरू में लोकोमोशन में कम थी और उसके अंदर फियर जो फैक्टर था, जो खौफजदा होने का फैक्टर था, वो भी कम था, लेकिन जैसे जैसे वो उसने लोकोमोशन स्टार्ट की, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो ये देखा कि उसके अंदर फियर फैक्टर भी बढ़ गया था। तो लोकोमोशन फियर डाइकोटमी मीन्स कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अभी वो हैच हुआ, फिर वो दो घंटे का हुआ, चार घंटे का हुआ, छः घंटे का हुआ, उसके बाद एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, जैसे जैसे वो गुजर रहा था। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े होते हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, या मिडल एज्ड जो लोग होते हैं, वो जज्बात से बहुत कम काम लेते हैं, वो चीज़ों को बड़े ही जिसको कहते हैं ना
देख के जिसके अंदर कोई उनकी मसलहत पसंदी से काम लेते हैं। जो यंग लोग हैं वो दिल से जज्बात से काम लेते हैं, और मसलहत पसंदी जो है इसके पीछे वजह भी यही होती है क्योंकि वो दुनिया को देख चुके होते हैं, तो वो चीज़ों को दिल से और जज्बात से करने के बजाय बड़े मसलहत पसंदी से लेके चल रहे होते हैं। तो इसमें भी इसी तरह देखा गया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता था वैसे वैसे वो बड़ा फेयरफुल, बड़ा बड़ा फूंक के एक एक कदम रखता था, वैसे वैसे उसकी जो लोकोमोशन थी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती थी उसमें फियर फैक्टर भी था। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, इसमें जब वो 13 to 16 आवर उसकी एज हुई तो उसके अंदर बिल्कुल एक पीक आया। ये जो पीक है, ये पीक है उसकी, इसको कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। और ये जो क्रिटिकल पीरियड था वो टाइम था जब इसका इम्प्रिंटिंग प्रोसेस जो था वो मोस्ट इफेक्टिव था, ये हाईली अटैच हो गया था। इस क्रिटिकल पीरियड में आने से पहले एक पीरियड होता है, उसको कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड वो टाइम होता है जब एनिमल अपनी जो अटैचमेंट है उसको डिवेलप करता है, और उसके बाद एक क्रिटिकल पीरियड है वो टाइम जब इम्प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो वो जो उसका टाइम था वो 13 to 16 आवर्स में था। ये था हमारा अर्ली पोस्ट नेटल इवेंट्स जो थे। अनदर इम्पॉर्टेंट बिहेवियर जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो है प्ले बिहेवियर। प्ले बिहेवियर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा मैमल्स में और बर्ड्स में। बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें इतना आपको एविडेंट नहीं है, बहुत माइनर से ट्रेसेस मिलते हैं कहीं कहीं प्लेफुल बिहेवियर की। ये है प्रॉन्गहॉर्न एंटलोप, इसके अंदर प्ले बिहेवियर है। इसके देखें एंटेनास जो है वो किस तरह से कांटेदार हैं, इसकी वजह से इसको कहते हैं प्रॉन्गहॉर्न एंटलोप। एंटलोप आपको पता है हिरन या हरन भी कहते हैं। अच्छा, प्ले बिहेवियर में एनर्जी बजट जो है वो डिवोट किया हो जाता है प्ले बिहेवियर की। ये एक नुकसान है कि जब आप प्ले करते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। रिजल्ट्स ऑफ प्ले बिहेवियर में क्या होता है कि आप सोशल रिलेशंस को विन करते हैं, आप बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनाते हैं। और प्ले बिहेवियर से एक नुकसान ये होता है, नुकसान कहना या फ़ायदा कहना, इसमें डोमिनेंस हायरार्की डेवलप होती है। प्ले से सिर्फ हर दफ़ा फ्रेंड्स ही विन नहीं करते, आप कभी कभी दुश्मन भी विन कर लेते हैं, क्योंकि जब प्ले बिहेवियर होता है तो उसमें एक इंसान विनर होता है और बाकी जो है वो लूज़र्स होते हैं। तो उस प्ले में जो विनर होता है वो अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेता है, और जो नीचे रह जाते हैं वो सब जो सबमिसिव होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी, तो ये एक डोमिनेंस हायरार्की भी डेवलप हो जाती है आफ्टर प्ले बिहेवियर। प्ले बिहेवियर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जूलॉजी ने एक छोटा सा जो प्ले था ना उसको इतना कम्प्लेक्स कर दिया, काफ़ी जिसको कहते हैं ना सलीस, उसको एक लंबा चौड़ा सा प्ले की डेफिनेशन है। और प्ले की डेफिनेशन है इन एग्जैक्ट टर्म used to denote certain locomotor, manipulative and social behavior of young mammals and birds under certain conditions in certain environments. ठीक है, यही डेफिनेशन है प्ले बिहेवियर की। प्ले बिहेवियर जो है वो कैनट्स में होता है, कैनट्स जो हैं उनमें एगोनिस्टिक बिहेवियर ज़्यादा नहीं होता ड्यूरिंग प्ले, वो प्ले ही कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एग्रेशन शो नहीं करते। स्मेल, कैंडिडेट्स के अंदर स्मेल जो है वो सब कुछ है, और आपको पता है कि डॉग्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ड्रग्स को स्निफ करते हैं, वो दूसरों के वेयर अबाउट्स को स्निफ कर लेते हैं, अगर कोई ख़तरा है तो वो उसको अपने जो नाक है उससे वो सूंघ लेते हैं, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिवेलप होती है। ये बैकअप था, इसने स्टडी किया था बीगल को, और बीगल जो है वो भी बहुत लिटल एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं ड्यूरिंग प्ले। वुल्फ में भी बहुत लिटिल एगोनिस्टिक बिहेवियर होता है ड्यूरिंग प्ले। क्वाइटीज जो हैं ये डेवलप करते हैं डोमिनेंस ड्यूरिंग प्ले, और अगली एजेस में ही जब ये प्ले करते हैं तो ये दूसरे जो उनके पार्टनर्स हैं उनको बता देते हैं कि आई एम डोमिनेंट। तो इनमें क्वाइटीज में जो है वो इसको प्ले बिहेवियर को एज ए डोमिनेंस हायरार्की जो है उसके फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्ले तीन तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप जिसमें आ जाते हैं सोशल प्ले, जैसा कि रेसलिंग, जैसा कि चेजिंग और टम्बलिंग, ये है टम्बलिंग, राइट। सेकंड होता है फॉर डेवलपिंग मसल्स जिसमें सारी एक्सरसाइज वगैरह आ जाती हैं। थर्ड है डाइवर्स एक्सप्लोरेशन,
द वर्ड्स एक्सप्लोरेशन होता है, आपको कोई टॉय दिया गया है, आपको कोई चीज़ दी गई है जिसको आप अच्छी तरह थोरो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये कैसे चलती है, ये क्यों चलती है वगैरह वगैरह, ये भी एक टाइप ऑफ प्ले है, इसको कहते हैं द वर्ड्स एक्सप्लोरेशन। ह्यूमन के अंदर जो मैमल्स हैं, मैमल में ह्यूमन के अंदर जो है प्ले बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, दो तरह से ही खेलते हैं। नंबर एक चीज़ होती है स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन। स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन होता है कि आपको एक टॉय दिया गया है, आपने उसको देखा, उसके साथ थोड़ा सा खेला, उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उसको संभाल के रख दिया। और ये मोस्टली बिहेवियर होता है गर्ल्स में, छोटी जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर होता है कि वो चीज़ों को फिर संभाल के रख लेती हैं। जो बॉयज़ हैं वो उसको डाइवर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसको एक एक चीज़ को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर से अगर ये इसका व्हील इस तरह से चल रहा है तो इस तरह से है, अगर इसका हॉर्न बजता है तो वो क्यों बजता है, ठीक है, उसको कहते हैं डाइवर्स एक्सप्लोरेशन। अब चूंकि डिफरेंस था, दोनों के प्ले बिहेवियर में डिफरेंस है, तो इसकी बेस पर एक स्कूल में 3 से 5 साल के बच्चों को कैटेगरी बना दी गई। उन्होंने देखा कि जब उनको प्ले करने के लिए दिया गया तो कुछ बच्चे थे वो नॉन एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने बस टॉय को देखा और उसके बाद उसको संभाल के रख दिया। फिर उन्होंने देखा एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने अच्छी ही तरह से उनको खोला और उसको देखा और सब कुछ किया, और एक जो थे वो थे इन्वेंटिव एक्सप्लोरर्स, उन्होंने उस टॉय के साथ उनको जदीद तरीक़ों से उनको उनके साथ खेला, ठीक है, जिस मकसद के लिए वो बने थे उससे भी उन्होंने उसको और तरीके से और उसको और नए मेथड से उसको यूटिलाइज़ किया। अब जब उनको लाइफ में दोबारा स्टडी किया गया उनको जो कि नॉन एक्सप्लोरर्स थे, तो देखा कि उनमें लाइफ में जब वो बड़े हो जाते हैं वो बच्चे, तो उनमें लैक ऑफ क्यूरोसिटी थी, एडवेंचरस नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोस्टली फीमेल्स थी जो कि नॉन एक्सप्लोरर्स थी, और एक्सप्लोरर्स जितने भी थे वो सारे क्रिएटिव थे लेटर एजेस में, और वो बॉयज़ थे जो कि उस वक्त एक्सप्लोरर्स जो थे वो बॉयज़ थे और कुछ फीमेल्स भी थी उसमें, तो उनको जो देखा तो वो क्रिएटिव थी लेटर अब लाइफ में। इसके एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकलती है क्योंकि दोनों का जेंडर बेस्ड डिफरेंस है, तो जेंडर बेस्ड डिफरेंस की वजह से बॉयज़ जो थे वो ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी थे और गर्ल्स जो थी वो मोर एडवांस है होती हैं लिंग्विस्टिकली, तो गर्ल्स जो थी वो लेस एक्सप्लोरेटरी थी, तो इस वजह से मे बी उन दोनों के बिहेवियर के अंदर जो है वो डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस है बायोलॉजी में भी डिफरेंस है, फीमेल्स जो हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है जो कि एक उनको स्ट्रेस में नहीं जाने देता, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन उनको अंडर कंटिन्यूस स्ट्रेस में रखता है, तो इन दोनों बिहेवियर की वजह से मोस्टली मेल्स जो हैं वो उनका लाइफ स्पैन लंबा नहीं होता, फीमेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो लंबा होता है, फीमेल्स ज़्यादा अरसे तक जीती हैं, और उसके अंदर आंसर जो है वो उनके अंदर है क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं और मेल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। ये था हमारा आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका एंड, जिसमें हमने 2 इवेंट्स पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा पोस्टनेटल इवेंट्स क्या होते हैं, और साथ हमने पढ़ा कि प्ले बिहेवियर्स जो हैं वो क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड दिस इज़ द एंड।